तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ए एस एडिट्स में। और आप देख रहे हैं ए एस एडिट्स। तो भाई आज की वीडियो में हम बहुत ही बड़ा चीज़ करने वाले हैं जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आपने अभी देखा होगा रिसेंटली शाहिद कपूर की मूवी कबीर सिंह रिलीज़ हुई है, जो कि काफ़ी हिट जा रही है। उसका हम आज मूवी पोस्टर बनाने वाले हैं। तो वैसे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे हमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बताऊंगा, गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें, यूज़र नेम है IAMansoul007। तो गाइस आप यहाँ पे आके मुझे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपनी टिप्स देता रहता हूँ, क्या मतलब आज कौन सी वीडियो अपलोड होगी, क्या होएगा। तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना। तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के एंड में आप बताते नहीं हो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो गाइज वो भी आप बता दिया करो किस टॉपिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए होती है, तो गाइज मैं उसी पे ही बना दूँगा। तो गाइज आज हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं शाहिद कपूर का, जो ही काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज हम क्या करते हैं, गाइज हम अपने इस बैकग्राउंड को जो है ना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेंगे। तो गाइज इस बैकग्राउंड को मैंने खुद अपने पास से बनाया है। अगर गाइज मैं इसे वीडियो में बना के दिखाता ना तो गाइज काफ़ी देर लग जाती, तो इसलिए मैं पहले से पहले बना के रख देता हूँ। और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जितने PNG यूज़ करूँगा मैं, इसमें ज़्यादा PNG यूज़ करने का नहीं हूँ। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस पिक्सआर्ट ओपन हो रहा है। गाइस ये हो चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन। तो गाइस में हमारा बैकग्राउंड आ चुका है, पहले ही बैकग्राउंड हम यहाँ पे बैकग्राउंड को हमने यहाँ ले लिया है। और गाइस आपको क्या करना है, गाइस अपना मॉडल ले आना है। गाइस गाइस हमने यहाँ पर मॉडल को जो है ना पहले ही निकाल लिया है उसके बैकग्राउंड से। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी रिसेंटली वीडियो देखनी पड़ेगी कि बैकग्राउंड कैसे रेस करें, उसमें आप परफेक्टली बैकग्राउंड रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे ले लेंगे। एंड गाइस आपको इसे यहाँ पर नीचे की तरफ सेट कर देना है, यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सा बड़ा कर दें, इस जगह पर सेट करना है। एंड गाइज आपको आ जाना है एडजस्ट के अंदर। एडजस्ट के अंदर आके इसकी गाइज आपको ये कम कर देनी है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं। क्लैरिटी को बढ़ा देना है आपको, सेचुरेशन को थोड़ा सा ही इंक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं। और आपको हाइलाइट्स को बढ़ा देना है, शेडो को कम करना है थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और गाइज यहाँ से कर देना आपको डन। और गाइज हम एक सिगरेट का PNG है उसे भी यहाँ ऐड कर लेते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। गाइज इस सिगरेट का PNG से हम यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। गाइज हम इनके लिप्स पर इसे लगा देते हैं, छोटा कर देते हैं सिगरेट की PNG को। एंड गाइज यहाँ पर इस जगह पर छोटा कर देते हैं इसे ज़्यादा। गाइज यहाँ पे इसे रख देते हैं। एंड गाइज इसकी ओपेसिटी कर देते हैं कम। इरेजर पे जाएंगे, इरेजर की आपको हार्डनेस फुल रखनी है एंड साइज़ अपने हिसाब से कर देना है। और गाइज आपको जो होठ के ऊपर है ना गाइज, इसको आपको इरेज कर देना है इस ऐसे, जो गाइज ये होठ के ऊपर है। एंड यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा इरेज हो चुका है। एंड गाइज इसे कर देंगे यहाँ से डन। हाँ यहाँ से डन कर देंगे इसे। गाइस इस PNG को भी हमने यहाँ पर बहुत ही परफेक्टफुली लगा दिया है। एंड गाइस अब हमें क्या करना है, गाइस यहाँ पे एक कबीर का PNG और लेना है, कबीर सिंह का। एंड ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से हमें एक कबीर सिंह का एक PNG इसे यहाँ ऐड कर लेंगे। एंड गाइस इसे थोड़ा सा छोटा करके गाइस इधर कर देंगे, इस जगह पर कबीर सिंह को ऐड कर देंगे। एंड गाइज आपको इस साइड में लिख रहा है ना गाइज, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे सेचुरेशन कम करनी है, मतलब हार्डनेस थोड़ी सी कम करनी है। एंड इरेजर पे जाना है, ये इस जगह पे से इरेज कर देना है, कोना कोना इसका इरेज कर देना है, जिससे ये लाइनें ना चमके।
गाइस ये हमारी पिक हो चुकी है तैयार और बहुत ही बढ़िया लग रही है। और गाइस हमारे पे क्या करना है, गाइस हमें अपनी ड्रॉ टूल में जाना है। ड्रॉ टूल में हमें जाने के लिए क्या करना होगा गाइस, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रॉ टूल में जाना है आपको, एंड आपको आ जाना है ब्रश के अंदर। ब्रश के अंदर आपको गाइस ये वाला ब्रश चूज़ करना है, 3 वाला, एंड इसकी साइज़ वाइज आप सेट कर लेना है। एंड यहाँ पे कलर में जाना है, कलर में आपको रेड चूज़ करना है, यहाँ से डन कर देना है। और गाइस आपको कलर में जाना है, कलर में आपको ब्रश की तरफ गाइस के शर्ट के कोना है ना गाइस, तो इधर को आपको इसे डब फेर देना है एकदम। गाइस ये पूरे मतलब अपने शरीर के चारों तरफ आपको ऐड कर देना है, जिससे कि ये बैकग्राउंड से मैच हो जाए एंड बैकग्राउंड की शेडो आए। इसे थोड़ा सा बैक कर देते हैं, लेयर में जाएंगे, इस लेयर को लेके इसे यहाँ से इरेज करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसे। एंड फिर से ब्रश में आ जाएंगे, यहाँ से इसे धीरे धीरे इधर की तरफ कर देंगे, जिससे कि गाइस इस ऐसा लगेगा आपको कि आपके शेडो पड़ रही है आपके ऊपर बैकग्राउंड की। और गाइस आपको लेयर पैनल में जाना है, इसकी आपको ओपेसिटी कम कर देनी है, ज़्यादा नहीं, इतनी आपको इसकी ओपेसिटी रख देनी है। एंड गाइस यहाँ से आपको कर देना है फोटो को सेव। तो गाइस हम फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन करेंगे एंड यहाँ से डन कर देंगे लाइट रूम एप्लीकेशन में। चलिए चलते हैं। तो गाइस लाइट रूम एप्लीकेशन में हम मिलते हैं। गाइस हम इसे लाइट रूम एप्लीकेशन में लिया है। तो गाइस आपको लाइट वाले ऑप्शन में जाना है गाइस, इसका एक्सपोजर थोड़ा सा ही इंक्रीज करना, ज़्यादा नहीं, एंड हाईलाइट्स को बढ़ा देना है आपको, ओके, एंड शेडो को कम करना है, व्हाइट्स को बढ़ा देना है, ब्लैक्स को बढ़ा देना है। एंड गाइस अब आ जाना है आपको कलर में, कलर में आप गाइस की वाइब्रेंस बढ़ा देना है, गाइस की थोड़ी सेचुरेशन -2 रखनी है आपको। एंड गाइस यहाँ से आपको कस्टम कर लेना है, आपको आ जाना है मिक्स वाले टूल में। एंड गाइस रेड रहन देना है, एंड इसकी आपको थोड़ी सी लुमिनेंस कम कर देनी है, एंड इसकी आपको थोड़ी सी ह्यू को कम करना है। गाइस अब आपको आ जाना है गाइस येलो में, येलो की सेचुरेशन आपको मतलब ह्यू डाउन करनी है, सेचुरेशन कम करनी है, एंड इसमें भी इसकी भी यही करनी है ग्रीन की। एंड यहाँ से कर देना है डन। एंड अब आपको आ जाना है क्लैरिटी टूल में, इसकी क्लैरिटी इंक्रीज करनी है फोटो की गाइस। और आपको यहाँ से विगनेट थोड़ा सा मतलब विगनेट तो कोई काम नहीं करेगा। एंड यहाँ पे आपको शार्पनिंग इंक्रीज करनी है इसकी, मास्क नॉइस रिड्यूशन इंक्रीज करना है, कलर्स नॉइस रिडक्शन करना है, स्मूथनेस को आपको बढ़ा देना है। एंड गाइस सब एक सबसे बड़ी बात है गाइस, हम आपको सिलेक्टेड टूल्स में आना है। तो गाइस ये सिलेक्टेड टूल्स हर किसी में नहीं आता है, मॉडर्न वर्जन में आता है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आपको आ जाना है ब्रश में, आ जाना है ब्रश में आना है, एंड आपको इसके यहाँ पर। तो गाइस हमने लाइट उसमें पिक्सआर्ट में करा तो थोड़ा सही नहीं हुआ था, अब गाइस इस जगह पर और मतलब पूरी तरफ इधर चारों तरफ आपको करके कलर में जाना है, एंड इसे गाइस रेड करना है। गाइस इसे यहाँ से कर देना है आपको डन, जिससे गाइस यहाँ पे एक रेड टोन आएगी जो ये काफ़ी अच्छी लगेगी। तो गाइज हमारी फ़ोटो बिल्कुल बन चुकी है। तो गाइज मैं बता दूँ कि ये कबीर सिंह की फ़ोटो जो पिक्सआर्ट में थी ना, वो कुछ अलग ही तरीके की थी, एंड अब लाइट रूम में आके कुछ अलग ही तरीके की हो गई है। तो गाइज आपको अभी डिफरेंट पता लग ही जाएगा। तो गाइज आप सब देख सकते हैं डिफरेंट, एंड लाइट रूम तो भैया सबका बाप है, कुछ भी कर सकता है। एंड वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, एंड नीचे कमेंट जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट में बताना कि जरूर आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइस फुल एच डी फोटो है, बिल्कुल भी नहीं फट रही है ना, फुल एच डी है। तो गाइस आपको 3 डॉट पर जाकर इसे सेव टू डिवाइस कर देना है। और गाइस इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कबीर सिंह की मूवी देखने बहुत जल्दी चाहिए क्योंकि वो बहुत हिट जा रही है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद।